भाई जिसको डर लगता वही जानता है। मैं चाह रहा हूँ वो उधर जाके जो है कोई मिडल ऑफ द ओशन के अंदर कोई शार्क या एलिगेटर या पता नहीं कोई वेल से कुछ शोर मेला लगाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज एक नई वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ और ब्लॉग है डकी भाई का, क्योंकि मैं डकी भाई की वीडियोस पे रिएक्ट करना शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत स्पेशल है, और उस पर मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ मैं ये भी आपको बताऊंगी, जिसका टाइटल है अरू पानी से बहुत डरती है मैं भी। प्राइवेट आइसलैंड में वोटिंग की, भाई पानी से मुझे ऐसा नहीं है कि पानी से डर लगता है, वो डूबने वाला जो होता है ना वो मैं क्या ही बताऊं उसको लेके, तो मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन ये मैं अपना सीक्रेट एक्सपोज कर दिया तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना गाइस, अवॉइड। तो देख लेते हैं डकी भाई का ब्लॉग और एंजॉय करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है, मुझे आगे शुगर मेला लगाने ही नहीं दे रही। वो देखो जोर से उसने पकड़ लिया, वो देखो वो देखो। Brother, she's crying for no reason. और यार कल वाली वीडियो से तुम लोगों को पता है कि हम लोग सी शेल्स लैंड हो गए थे और हमारा बड़ा क्लास का रूम जो है अब गंदा मंदा हो गया। ठीक है, जब से मैंने सामान को लिया मैंने कुछ हर चीज तो बिखार के रख दिया भाई हम लोगों ने। भाई क्या किया यार, रूम कमरा साफ रखना होता है यार, सारा गंद तुमने बचाया। बात तो सही है। एनीवेज आज जो है हम लोग जो है ना रूम से बाहर जाके रिजॉर्ट वगैरह देखते हैं कि कैसा है भाई। बिल्कुल सामने जो है ना बड़ा लेवल का समंदर भी है, वहां पे देखिए क्या क्या एक्टिविटी है भाई। बाहर तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूं, शुगल मेला खुल गया। लगून भाई साहब यहाँ जो है ना बड़ा पुरसकून किस्म का जो है ना मौसम है, तो भी हम लोग बाहर वाली साइड पे चलते हैं और तुम लोगों को दिखाते हैं शुगर मेला थोड़ा। एनीवे वेलकम बैक हो गए दोस्तों तो व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डकी भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और भी तुम इतना ज्यादा तैयार हो जाती हो, फिर मुझे भी तैयार होना पड़ता है यार। आई प्रॉमिस। अब मैं एक बेसिक सी शर्ट पहन के घुसूंगा। चुप कर पे कुत्ते। मैंने एक लिपस्टिक के अलावा कुछ भी नहीं लगाया, तुमने जल्दी डाली हुई थी मुझे। अच्छा, नेचुरल ब्यूटी। अभी जो है ना हम लोग होटल से बाहर निकले हैं और बड़ा मजे का जो है ना यहाँ पे पाथवे दिया हुआ है और हम लोग अभी जा रहे हैं बीच वाली जगह पे। भाई मौसम यहाँ पे बस ठीक है, बहुत ठंड भी नहीं है लेकिन बहुत गर्मी भी नहीं है, अच्छा है। A few inches later. और ये हम पहुंच चुके हैं बीच वाली साइड पे। भाई क्या लेवल का जो है ना यहाँ पे है, पहले क्यों नहीं आए यार, अब तो अंधेरा होने लगा है और बारिश होने लगी है और हम यहाँ पे आ गए हैं। भाई ये तो बड़ी लेवल की जगह है यार, और रश भी नहीं है, सुकून है, वरना होता है वो मोस्टली जो है ना ओवर क्राउडेड होता है, फिर शुगर नहीं लगता सही। और आगे इतना लेवल का बीच है, तुम यहाँ पे पिंग लेनी शुरू कर दी है, वो देखो वेव कितनी तेज आ रही है। तो भाई यहाँ पे जो है ना उन्होंने दरख्त के साथ पींग लटकाई हुई है, हम जा रहे हैं सामने बीच वाली जगह पे। भाई अब यहीं पे होगी वोटिंग। बीच तो है और साथ में पार्कोर के साथ जो है ना बड़ा लेवल का जो है ना माहौल बना हुआ है, ग्रीनरी और ब्लू वो सब कुछ है। और भाई क्रिस्टल क्लियर ब्लू ग्रीन पानी है भाई। वैसे वो सामने कश्तियां वगैरह भी हैं तो वहाँ पे जाके चला नहीं सकते, बोटिंग कर सकते हैं। हाँ, आ जाओ पूछो से। बोटिंग शूटिंग आप पूछते हैं, कोई शुगर मेला यार चले तो सही। वेयर आई कैन डू बोटिंग? बोटिंग भाई कह रहे हैं बोटिंग का जो काउंटर है ना वो सामने है, तो वहाँ से जाके पता करो। वैसे यहाँ पे बैठने का तो बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन आपके भाई का जो है ना बैठने का दिल नहीं कर रहा। एक काम मैं कर दो, मेरे जो है ना जूते मट्टी वाले हो गए हैं, उसको जो है ना स्विमिंग पूल में धो लेते हैं हम भाई। ओए होए 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 होए, पता लग गया हमें सी शेल से ही निकालने हैं इस चमन हरकत पे। निकल दिस बोट फॉर हाउ मच टाइम? फॉर 1 आवर। 1 आवर, 1 आवर के लिए जो है हमें दे रहा है भाई। बोट मिल जाएगी, ठीक है। ओके ब्रदर, डन, थैंक यू, दिस इज माय यूट्यूब। यार एक घंटे के लिए हम लोग ये बोट चला रहे हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर। और ये है भी ट्रांसपेरेंट बोट, नीचे हमें ट्रांसपेरेंट है और इसमें और ही डर लगेगा, ऐसा लगेगा पानी में बैठे हो। सब नजर आएंगे भाई, येलो वन और द ग्लास वन, द ट्रांसपेरेंट वन। या ओके, नो वरीज। क्या ड्रामे ना कर, जूते छूते उतार लेते हैं। एंड हाउ मच इज द बोट राइड अगेन? दैट वन इज 500 रुपीस। 500? दैट वन इज 200। 500 रुपीस सी शेल रुपीस जो है वो पाकिस्तान के कोई 11,000 रुपए बनते हैं भाई।
थोड़ा गीले हो गया। मुझे तो पूरा गीला कर दिया उसने। भाई साहब ट्रांसपेरेंट बोट है भाई। When you coming inside? Yeah, yeah. Just make sure. We will see you. I will. Okay. We'll see you. I will. Just make sure you don't go close to the shore. I will not. I will okay, not. I will stay here. Oh my God! Aru, मैं तो तुम्हें गिराने लगाऊं भाई। साथ नहीं। Aru, check करो। साथ नहीं, please नहीं। Aru, मैं तुम्हें गिराने लगाऊं। साथ नहीं। Aru, मैं तुम्हें गिराने लगाऊं भाई। साथ मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हारा फोन फेंक दूंगी, फिर डालते हैं व्लॉग। डर गई, यार डर गई। ओए होए होए, तो यार हमारी बोट राइडिंग शुरू हो गई है और Aru लोगों को जमीन दिखाओ कि किस तरह हमें समंदर के नीचे भी नजर आ रहा है भाई। देखो हमारी ट्रांसपेरेंट बोट है जिसके वजह से हमें नजर आ रहा है। फुलाना हार्ट बीट सो फास्ट। तुम्हें बाकी डर लग रहा है ड्रामे गाड़ी? अल्लाह के किसी मौत लग रहा है भाई। व्यू तुम लोग देख सकते हो बड़ा लेवल का है। अभी हम थोड़ा सा उस तरफ जाके देखते हैं कि क्या शुगर मिला है भाई। Aru कुछ भी नहीं है। Aru वो वेव नहीं है। अच्छा Aru बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, वो कुछ भी नहीं है, वो वहीं पे रुक जाएगी। अल्लाह माफ करे, प्लीज गिरना नहीं। अल्लाह ताला ने ट्रांसपेरेंट बोर्ड साथ ने जान के रखी ताकि हम लोगों को, उसको पता मुझे डर लगता है, उसने जान के रखी है कि मैं डर जाऊं। बहुत तेज हो रहा है। तो यार अभी हम बस पानी के मिडल पे बैठे हुए हैं, व्यू वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और ये तुम लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ व्यू क्या लेवल का जो है ना यहाँ पे सिस्टम है। तो अभी हम लोग जो है ना वो बीच की तरफ वापस जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि Aru ने जो है ना रोना डाला हुआ है, उसको डर बड़ा लग रहा है भाई। देखो रोने वाली हुई हुई है, जबकि मैं बोट खड़ी करके बैठा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं है, वो रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। मुझे आगे शुगर मेला लगाने की देरी को डर लगता है, वही जानता है। मैं चाह रहा हूँ वो उधर जाके जो है कोई मिडल ऑफ द ओशन के अंदर कोई शार्क या एलिगेटर या पता नहीं कोई वेल से कोई शुगर मेला लगाए, और तुम यहाँ पे यहीं पे डर रही हो भाई। सामने रेस्क्यू बोट है, कुछ हो भी गया तो रेस्क्यू बोट के अंदर कोई पता नहीं है ना। रोई जा रही हो, रोई जा रही हो। चले जाते हैं वहाँ पे बच्चों के पूल पे, टेंशन ना लो, मुझे अपने घर जाना है। बोट पे क्रैक आ गया, बोट पे क्रैक आ गया। मछली शचली दोस्तों से मिलने और वो जाने नहीं दे रही भाई। अभी मैं हिलाता हूं इसको देखना। Brother, she's crying for no reason. Oh, no, no, not supposed to. Amien, ona lagaya hai bhai. Brother, inni si gal si ki enne rona lagaya hai yaar. Bol mera hi मार देता सारा यार। काम करो, ज्यादा बातें ना करो। तो भाई ये है सी शेल्स की करेंसी, 500 रुपए। इनकी भी रुपीज ही है लेकिन वैल्यू चेंज है। सी शेल्स की भाई इस तरह की करेंसी दिखती है भाई। तो बोटिंग छोटी से फारिग होके हम लोग आए हैं डिनर करने और बड़ा मजे का जो है ना यहाँ पे माहौल है। ड्रिंक श्रिंक भी है, नो अल्कोहल पी लो। I'll take pineapple punch. Pineapple punch. Thank you so much, brother. Thank you. Mean the Lord. Bye bye. बहुत जबरदस्त है। मजेदार। Fresh हो गए भाई। तो खाना यहाँ पे जो है लगा हुआ है, श्रिम्स हैं, स्क्विड वगैरह है, चिकन है, लेकिन अब ये नहीं पता चिकन हलाल है कि नहीं। ब्रदर चिकन हलाल? चिकन ओके ओके परफेक्ट। यार फूड हल जो है ना वो हलाल है, कंफर्म कर ली है, तो हम लोग जो है ये ले सकते हैं चिकन वगैरह। चलो जी थोड़ी सी हम लोग जा लेते हैं मछली व्हाइट कलर की भाई। एक हम पीस डाल लेते हैं चिकन का, थोड़ा बहुत ये डाल लेते हैं, लैम भी पता है भाई। फूड तो हम लोगों ने डाल लिया है और माहौल चेक करो भाई कितना लेवल का बना हुआ है। लोग नीचे बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और बड़ा लेवल का जो है ना इन्होंने पार्टी चार्टी माहौल बनाया हुआ है, बड़ा मजे का भाई। हम भी यही बैठ जाते हैं। A few inches later. भाई साहब ये चेक करो, फ्रिज देखो किस तरह से बनाया हुआ है भाई, पूरा कमरा ही फ्रिज है। ओए होए होए ठंड शुरू हो गई भाई। यहाँ पे उन्होंने फूड्स वगैरह जो है ना दिए हुए हैं, ठीक है, ओपन, और ये फ्रिज है, पूरा ठंड है यहाँ पे भाई, बड़ा फ्रिज कमरा उन्होंने बनाया हुआ है पूरा फ्रिज वाला। यहाँ पे चीज भी उन्होंने रखी है, बड़ा सिस्टम उन्होंने लेवल का किया हुआ है यार। तो अगर हम लोग जो है ना रूम में वापस आ गए थे, आपके भाई ने जो है ना थोड़ी दाढ़ी वाली अग्नि करवा ली है, बहुत ज्यादा बड़ी होगी थी। तुम लोग को पता है यार हम लोग एयरपोर्ट पे फंसे रहे हैं, तुम लोग को पता है हमारी 5-5 घंटे की फ्लाइट जो है ना वो होती थी, तो आज का व्लॉग थोड़ा छोटा सा ही है। दिमाग बहुत ज्यादा घुमा हुआ है, जेट लैग हुआ है, थकावट जो है ना अभी तक बॉडी से गई नहीं है। कल जो है हम लोग लंबी एक्टिविटी करेंगे, प्रॉपर मजा आएगा, और वैसे भी सी शेल्स में हमारे पास बस ये 2 दिन ही है,
तो आज का व्लॉग थोड़ा बहुत छोटा था लेकिन कोई बात नहीं, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई व्लॉग को ज्वाइन कर लेना लाजमी। छोटा व्लॉग हो तो कभी कभी समझ आया करो कि डक्की भाई थोड़ा थक गए यार, लेकिन अभी आराम आराम करते हैं, फ्रेश हो जाएंगे, लंबा व्लॉग लाएंगे कल। मिलते हैं कल, सब्सक्राइब लाजमी कर देना। ओके ब्लॉग हो गया खत्म। मुझे वैसे स्पेशली ये देखना था इसमें जो इन्होंने अरूप को डराया होगा ना पानी को लेके, वो एक्सपीरियंस देखना था मुझे, क्योंकि अमूमन जिन लोगों को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है ना उनके लिए बोटिंग करना और पानी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है ना ये सब करना एक टास्क से कम नहीं होता है, और सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है, तो मैं देखना चाहती थी उनका रिएक्शन किस तरीके का होता है करके। तो वो मैंने देखा भाई बहुत डरी हुई थी, और सेम कंडीशन मेरे साथ भी होती है पानी को लेके, क्योंकि भाई बचाए भगवान बस यही चीज है। और जो आइसलैंड था बहुत खूबसूरत था, और सबसे अच्छा मैं उसमें एक चीज बोलूंगी ना कि ब्लॉग पे आती हूँ मैं सबसे पहले, उनके ब्लॉग को लेके मैं और भी वीडियोस बनाती हूँ, तो रोज रोज ये भी बोलना सही नहीं रहता कि ब्लॉग उनके बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत मतलब कॉमेडी रहती है, रहती है वो रहती है, क्योंकि वो सब रहती ही है। लेकिन जो आइसलैंड की मैं भी बात करूंगी जहाँ पे वो लोग ठहरे थे, ब्लॉग ये अभी थोड़ा सा पुराना है और वो मैंने यूनिक ब्लॉग निकाला था थोड़ा सा, जो अपनी अपने को भी रिलेट करे ना उस चीज से, इसीलिए मैंने वो निकाल रखा था। तो मुझे बहुत प्यारा लगा ब्लॉग देख के। और जो आइसलैंड है, तीन बार बोल चुकी हूँ मैं, जो आइसलैंड था चार बार, बहुत अच्छी लोकेशन थी, मतलब मैं जैसा इमेजिन करती हूँ ना ऐसे घूमने के लिए ये सारी चीजों के लिए, तो वो बेस्ट लगा मुझे देखने में। तो दो चीजें मैंने देख ली, तो पानी से अरूप का डर और दूसरा बहुत सुंदर सा आइसलैंड और उसकी डेकोरेशन, क्योंकि मुझे ऐसे वाले रिजॉर्ट और ये सब बहुत पसंद आता है। तो मुझे काफी अच्छा लगा ये ब्लॉग, और आप लोगों ने तो वैसे पहले देख ही लिया होगा ये ब्लॉग, आज का है नहीं ब्लॉग, थोड़ा पुराना ही है, तो अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने रिएक्ट किया, क्योंकि आप लोग पुराने ब्लॉग्स भी देखते हैं, जैसे आपने डकी भाई की मैरिज का वीडियो देखा था, अभी उसका सेकंड पार्ट आना है। मैं रोज बोलती हूँ लेकिन मैं करती नहीं रिएक्ट, क्योंकि स्लॉट में बहुत सारी वीडियोस रहती है। तो गाइस उसको भी बहुत जल्दी मैं लेके आने वाली हूँ, उसको मैं लेके ही आऊंगी क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट तो कर ही रखा है। तो मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, फुल इंजॉयिंग वीडियो था, सब बहुत अच्छा मोमेंट था, मतलब सो नाइस, ऐसा लग रहा था कि आपके साथ हुआ है ये सब करके। तो गाइस मिलेंगे एक नई वीडियो में, बाय बाय।